हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ये मोल देखकर और थंबनेल देखकर तो समझ ही गएंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो यस, हम बनाने जा रहे हैं रेजिन की ज्वेलरी। तो इससे हम बनाएंगे जिसमें हम डोम हर्ट शेप पेंडेंट ब्रेसलेट बनाने वाले हैं, क्योंकि ये एक कस्टमर का ऑर्डर है जिन्होंने पेंडेंट, रिंग, ब्रेसलेट एंड झुमकों का ऑर्डर दिया है। तो ये उसी के लिए कस्टमाइज़ कर रही हूँ। उन्होंने अपने फ्लावर्स को भेजा था मुझे प्रिजर्व करने के लिए, जिससे कि मैं ये पूरी ज्वेलरी बना रही हूँ। बट उनके जो फ्लावर्स थे वो आते आते थोड़े से ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से इसमें मैंने थोड़ा सा कलरिंग इफेक्ट देने के लिए अपने भी कुछ फ्लावर्स यूज़ किए हैं। हाँ, ये सब मैंने उनकी परमिशन से ही किया है। उनको पूछ लिया था कि हाँ, ऐसा आपको चलेगा या नहीं चलेगा, उसके बाद ही मैंने ये किया है। तो अगर आप भी फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक ऑफ़र भी लेकर आई हूँ कि अगर आप भी ऐसा कुछ ज्वेलरी बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ऐसे ब्यूटीफुल रेजिन फ्रेम्स, ज्वेलरी किचन्स या एनीथिंग की रेजिन से आप बना के गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप है जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में मैं लेकर आई हूँ। ये वर्कशॉप रहेगी 14 एंड 15 जून 2024, यानी कि नेक्स्ट मंथ को। तो इसकी जो वर्कशॉप का प्राइस मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, सिर्फ 99 में मैं आपको सिखाऊंगी रेजिन फ्रेम्स कैसे बनते हैं, एलईडी कैसे यूज करते हैं। एलईडी लाइट्स वाले फ्रेम्स आपने देखे ही होंगे, बहुत ट्रेंडिंग में है। तो कोई भी बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी ओकेजन होता है तो लोग गिफ्ट करना बहुत पसंद करते हैं। तो वो ज्वेलरीज कैसे बनती हैं, कैसे बनते हैं वो फ्रेम्स, वो होगा उसमें। कीचेंस कैसे बनते हैं, नेम वाले, विदाउट नेम वाले, उसको हम अटैच कैसे करते हैं, वो सब कुछ हो गया। एंड ज्वेलरीज, ज्वेलरीज मेनली आजकल बहुत ट्रेंड में है कि रेजिन ज्वेलरीज। देखा ही होगा आपने कि कैसे, मतलब कितनी जल्दी वो हाइप पे आ रही है। तो वैसे ही रेजिन ज्वेलरीज का भी ये कोर्स है पूरा। तो वर्कशॉप है, 2 दिन की कोर्स नहीं है, वर्कशॉप है जिसमें मैं लाइव आपके साथ आपको सिखाऊंगी एंड बनाऊंगी कि हाँ, आपको जो भी है तो आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल हर्ट बन के निकले हैं। तो ये डोम शेप ज्वेलरीज हैं, जो कि बड़े वाला हर्ट है। मैं इसको एज अ पेंडेंट के लिए यूज़ करूंगी। और ये 3 हर्ट हैं, एक बड़ा है और 2 सेम साइज़ के छोटे छोटे हैं। तो इनको मैं यूज़ करूँगी एज ब्रेसलेट के लिए। और इनकी एक रिंग भी थी, और इस रिंग को पहले मैंने गलती से, उन्होंने हर्ट शेप ही बोला था बट मैंने उसको सर्कल में बना दिया था, देन मैंने उसको फिर से हर्ट में कन्वर्ट किया। तो ऐसे डू एंड डोंट्स कि हाँ, आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप कभी ऑर्डर गलत कर सकते हो, तो वो भी मैं सब कुछ सिखाऊंगी कि हाँ, आपने आपने क्योंकि बनाना तो सब कुछ ईजिली आ जाता है, बट अगर आपने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दिया, तो उसको ओवरकम कैसे करना है, उसे हैम मतलब पैनिक नहीं होना है, उसको ठीक कैसे करना है, वो सब मैं बताऊंगी आपको। और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करूंगी, एंड इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलेगी। डिटेल्स जो जो हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे उससे रिलेटेड आपको पूरी पीडीएफ मिलेंगी, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कोई डाउट होता है तो आप वो देख सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट भी रहेगा आपके पास, कि आपको कैसे कोई डाउट आता है तो करते। ये देखिए, मेरे को करते करते इसमें हाथ में मेरे जो ड्रिल थी वो चुभ गई थी, और इतनी ब्लीडिंग निकल रही थी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो छोटा सा भी लगता है ना, बट वो बहुत हर्ट होता है। एकदम से इतना सारा ब्लड निकल रहा था, तो मैंने उसको पहले अच्छे से किया, क्लीन किया, और उस थंब से मुझसे काम नहीं हो रहा था, बट मुझे ये कस्टमर को डिस्पैच करवाना था उनका ऑर्डर, तो मुझे काम करना पड़ा। तो ये सब मैंने किया। आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि उनकी इयररिंग्स, ज्वेलरी, सब कुछ। और इन सबको हमें जो सिक्योर करना होता है, वो हमेशा हमें यूवी लैम्प पे करना आता है, क्योंकि हम ठीक है, हमने उसको टाइट कर दिया है स्क्रू को, बट स्टिल उसका निकलने का डर रहता है। तो मैं आप लोगों को पक्का बोलूँ, सॉरी, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, इंश्योर करना है आपको कि वो निकले ना, किसी भी कीमत पे वो ना निकले। इसलिए आपको उसको हमेशा प्रॉपर सिक्योर करके ही कस्टमर को देना है, अदरवाइज आप बना के दे दो, उसके बाद कस्टमर की कंप्लेंट है तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसको पूरा ब्रेसलेट पूरा बना दिया है, और पेंडेंट को भी मैंने चेन वगैरह लगा के प्रॉपर रेडी कर दिया है। तो इसी के साथ इनके जो रिंग थी, जो मैंने आपको बताई, वो भी है। अभी ये सर्कल में, मैं इसको बाद में जब मेरे कस्टमर को फाइनल के लिए भेजती हूँ, तब तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपको हर्ट में बोला था, तो मैंने उसको ठीक किया। देन एक पेंडेंट हो गया, एक रिंग हो गई,
ये ब्रेसलेट जो हमने अभी बनाया था और इनके झुमके जिसमें मैंने पर्ल्स वगैरह ये सब कुछ मैं आपको उस वर्कशॉप में सिखाने वाली हूँ। और ये मैंने छोटे से हर्ट वाले छोटे छोटे स्टड ईयरिंग्स दिख रहे होंगे आपको, ये मैंने उनको एज अ गिफ्ट किया है क्योंकि मैं हर कस्टमर को एक गिफ्ट देना प्रेफर करती हूँ, तो मैंने उनको ये गिफ्ट किया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना और DM करके आप मुझे पूरी वर्कशॉप की डिटेल्स ले सकते हैं कि क्या कैसे कब होगा, तो मैं आपके साथ वो सारा कुछ शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।